ऐसा लगता था कि मैं अब जी पाऊंगी या नहीं। रात को जब ये सोती थी तो मैं इसको बार बार चेक करता था, नब्ज पकड़ के सोता था कि नब्ज इसकी चल रही है और ये सांस ले रही है। और कभी कभी जब ये हरकत नहीं करती तो मैं इसको उठाता था, मैंने कहा राखी ठीक है ना। कभी कभी इनसे मैं बात करती थी कि आप है ना मेरे जाने के बाद किसी से शादी मत करना, क्योंकि कोई भी लड़की है ना आपको एक्सेप्ट कर लेगी, आपको अच्छा रखेगी, पर मेरे बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी। सांस ही नहीं आता था साहब, कभी कभी हम ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के यहाँ से जाते थे। कभी कभी तो ऐसा हो जाता साथ वालों को, परिवार वालों की पता नहीं सुबह आएंगे कि नहीं आएंगे। जी हाँ, किडनी की बीमारियाँ 7 में से 1 यानी 100 में से 15 लोगों को अफेक्ट करती हैं। हाइपरटेंशन, डायबिटीज या ये कहिए अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन डायबिटीज जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, चाहे किसी भी उम्र के हों, 30, 40, 50, जेंट्स फीमेल्स हर किसी में किडनी की बीमारियाँ हो सकती हैं। जब ये बीमारी आगे बढ़ जाती हैं तो हम सबको पता है हमारे पास सिर्फ 2 ही तरीके रह जाते हैं, या तो हम निरंतर हफ्ते में 3 बार अपना डायलिसिस कराएँ या फिर हम ट्रांसप्लांट की ओर बढ़ें। डायलिसिस कराना एक जवाब नहीं है, डायलिसिस सिर्फ एक ब्रिज है जो एक किडनी के पेशेंट को ट्रांसप्लांट तक लेके जाते समय हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि डायलिसिस पर रहते समय भी खून की कमी बने रहना, कमजोरी रहना, बीपी बढ़ना, शुगर कम होना और कई सारी और बीमारियां और परेशानियां पूरी फैमिली को होती हैं। जब मतलब किसी का क्रिएटिनिन लेवल हाई होता है तो उसको ऐसे वॉमिटिंग सा रहता है, चलने में ऐसे लगता है पैर भारी से हो रहे हैं और अंदर इम्प्योरिटीज़ तो रहती है, तो बहुत मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्या फील करते हैं। हाथ पांव दुखते थे, सारी सारी रात बैठे रहते थे, हालत तो बहुत ख़राब थी उस टाइम पे। किसी ने बोला यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ ढोक दे दो, या सब किया सब कुछ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमारे माँ और बाप नहीं है, कोई बड़ा भाई भी नहीं है, कोई छोटा भाई भी नहीं है, मालिक मैं हूँ, मेरे परिवार का मैं मालिक सदस्य मैं ही हूँ, मेन सदस्य, तो अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो परिवार का क्या होगा। मदर को देखती हो तो वो भी चिंता, उनको भी देखती हो कि वो अपने बेटे के लिए चिंता कर रही है, उनको देख के भी मुझे पेन होता था। दीदी वहाँ, दीदी अपने ससुराल से बार बार फ़ोन करके पूछ रही है कि भैया कैसा है, तो पेन तो था सभी के लिए था। बट अगर मैं ही टूट जाता तो फिर उनको कौन संभालता, वही चीज़ है। बस ये सोच के भाई हम ही को करना है, जो है परिस्थिति है जो अपने साथ उसको तो फेस करना ही था। किडनी ट्रांसप्लांट परमानेंट किडनी फेल्योर मरीज के अंदर बहुत ही बेटर ऑप्शन होता है। उसमें किडनी देने वाले और लेने वाले को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, देने वाले को कोई मेडिसिन नहीं देनी होती है, और जो पेशेंट होता है जिसको हम किडनी लगाते हैं उसको भी 3 महीने तक अपना रूटीन लाइफस्टाइल का काम करना है। 3 महीने के बाद में कितना भी हैवी काम कर सकता है, तो जो डेली लाइफ है रेसिपिएंट की और डोनर की, लेने वाले की और देने वाले की, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। दूसरी बात यह कि हम नारायणा हॉस्पिटल के अंदर, हमारे पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, करीबन 9-10 साल से हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और 150 ट्रांसप्लांट से ज़्यादा हम कर चुके हैं। यहाँ हमने कैडेवर ट्रांसप्लांट भी किया है, जो ब्रेन डेड किडनी जो पेशेंट्स को मिलती है उनके लिए हम लिस्टिंग करते हैं। इसका सदुपयोग ये रहता है कि जो यंग पेशेंट होते हैं जिनको किडनी लगनी चाहिए और जो अभाव में जी रहे हैं, कोई देने वाला नहीं है, तो ऐसे मरीजों की हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई लाइव ट्रांसप्लांट वाला होता है जिसके घर में कोई देने वाला है, तो उसको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किडनी देने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता। उसके लिए देने वाले की हम पहले टेस्टिंग करते हैं, दोनों किडनी जब एडिक्वेटली फिट होती हैं तभी हम डोनेशन के लिए उसको प्रमोट करते हैं और ट्रांसप्लांट करते हैं, और उसमें रेसिपिएंट डोनर दोनों नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं। सर नारायणा हेल्पफुल है, पैसा सब जगह लगता है और ट्रीटमेंट सब जगह, तो पर एक जो डॉक्टर का बात करने का है और जो कन्विंस करते हैं ना वो अच्छा है, बेटर है। किसी को ये नहीं समझते कि ये पेशेंट को ही हो रहा है, ये कि पेशेंट को ही हो, सबको एक समान, किसी के साथ भेदभाव नहीं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ भगवान की भी और डॉक्टर साहब की भी, प्लस मेरे हस्बैंड की, कि इन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है। 2 साल का बेबी था, इस वजह से मैंने और सोचा कि अभी तो छोटा सा बेबी है, अभी तो हम दोनों के लिए बहुत बड़ी है, तो दैट्स टाइम मैंने ये चीज़ स्टेप लिया था। सिंगल किडनी फील करूँ तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि मैं सिंगल किडनी हूँ, जैसे पहले जी रहा था वैसी लाइफ अभी जी रहा हूँ,
ट्रेवल्स करता हूँ, कार भी मैक्सिमम चलाता हूँ, बाइक भी चलाता हूँ। हाउस वाइफ हूँ तो सारा घर आराम से मेंटेन करती हूँ, अपने बच्चे को भी संभालना, इसको स्कूल छोड़ना, लेके आना। जो पहले बॉडी मेंटेन थी वो महसूस हो रहा है, सिर्फ अपने को, सिर्फ अपना खुद का थोड़ा सा बॉडी को ख्याल रखना है बस। खेती को ट्रैक्टर चलावो, चलावो मोटरसाइकिल चलावो, आज भी चलाऊँ जो जी जानवर पोटा भी गोबर भी नाकू जो सारो काम करूँ जो। प्यार का यही तो मतलब है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए तो अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए।